वेलकम टू एडुकेमी। माय नेम इज रोहित कुमार। आप पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग यहां पर सॉल्व कर रहे हैं एंड द फर्स्ट 25 क्वेश्चंस वी ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किया है, काफी डिटेल से उसके बारे में हम लोगों ने जाना। आज जो है 26 to 50 फिर से 25 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर यूपीपीएससी 2021 के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे और उससे संबंधित हर विकल्प को हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। पिछले जो 25 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था 2021 का। ऐसे हम लोग सारे प्रीवियस के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एग्जामिनर के मेंटेलिटी को बताता है कि भाई किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है, हमें उसके मनोविज्ञान को समझना होता है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे बार बार सॉल्व करना चाहिए ताकि हमें इस बात का पता चले कि वास्तविक रूप से एग्जामिनर किस प्रकार से प्रश्न पूछना चाहता है और कहां से पूछना चाहता था और कहां पर किस विषय का सबसे ज्यादा वेटेज है यहां पर। तो इस वीडियो में भी हम 26 से शुरू कर रहे हैं 50 तक का प्रीवियस ईयर यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के क्वेश्चन का। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर 26 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रभाग आपदा प्रबंधन के लिए गृह मंत्रालय नोडल डिविजन्स है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि भाई भारत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसके व्यवस्था जो है डिपार्टमेंट गृह मंत्रालय के अंदर में दिया गया है, लेकिन वो नेशनल डिजास्टर जो मैनेजमेंट है उसका प्राधिकरण, उसकी ऑथोरिटी, उसके जो चेयरमैन जो है पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, इस बात को कहा। अब आप लोग ये सोचेंगे भाई कि अगर हम बात करें पदेन अध्यक्ष की बात करें तो ऐसा लगेगा कि भाई गृह मंत्रालय के अंदर में है, तो वास्तविक सी बात है कि गृह मंत्री ही पदेन अध्यक्ष होगा डिजास्टर मैनेजमेंट का, लेकिन यहां पर ये आपकी गलती हो जाती है। यहां पर ही बच्चे जो है इस प्रश्न के उत्तर में गलती, क्योंकि विकल्प में आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिया हुआ है। प्रश्न है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन से। तो एक चीज सबसे बड़ी बात है, मैं पिछले क्लास में भी कहा था कि कभी कभी आप विकल्प को एलिमिनेट कीजिए। अगर आपको उत्तर नहीं आता है आप कोशिश कीजिए कि कॉमन सेंस के माध्यम से आपको विकल्प को एलिमिनेट किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तो इसका उत्तर नहीं हो सकता है। हाँ, समस्या ये हो सकती है कि भाई रक्षा मंत्री की भी बात है तो रक्षा मंत्री भी नहीं होगा क्योंकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन भारत के अंदर की बात है, गृह मंत्रालय, तो ये कंफ्यूजन गृह मंत्रालय और इसके बीच में है। पर गृह मंत्री इसका नहीं होता है, प्रधानमंत्री इसके होते। सही व्याख्या ये होगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं। हम सभी को पता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत एक स्थापित एक वैधानिक निकाय बनाया गया था और उस निकाय के तहत आपदा प्रबंधन के जो गृह मंत्रालय को एक नोडल डिविजन्स के लिए या फिर तैयारी खतरों और संबंधित आपदाओं को रोकथाम के लिए उससे संबंधित दी गई थी, परंतु उसका मुख्य जो अध्यक्ष पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री के ही देखरेख में गृह मंत्रालय ये कार्य करती है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग का ये इसका सही विकल्प आपका क्या होगा, ये होना चाहिए। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर ओन द, आप हिंदी आपके लिए ज्यादा ही बेहतर होगा, आ जाइए यहां पर, कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने प्रतीक्षित, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने प्रतिष्ठित सार्वजनिक श्रेणी वाले पुलिजर पुरस्कार 2021 जीता। अगर हम पुलिजर पुरस्कार 2021 की बात करें, फैक्चुअल डेटा है ये, है ना, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में कहा कि भाई कि न्यूयॉर्क टाइम ने महामारी के विस्तृत डेटा से भरी रिपोर्टिंग के लिए एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक सेवा श्रेणी पुलिजर पुरस्कार 2021 को जीता। तो इसके अगर
आपके विकल्प में देखें तो वॉल स्ट्रीट जर्नल है आपका, न्यूयॉर्क टाइम्स है आपका, वॉशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क पोस्ट है, तो इसका सही विकल्प आपका न्यूयॉर्क टाइम्स होगा, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम ने आपको महामारी पर के विस्तृत और डेटा के बारे में रिपोर्टिंग करने के लिए जो समाचार पत्र जो है इसने आपको इस अवार्ड को जीता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स। सो न्यूयॉर्क टाइम्स इज राइट आंसर इसका। और थोड़ा सा अगर मैं आपको इससे संबंधित अगर हम बातें करें तो ये देख सकते हैं कि जो पुलित्जर पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार आपका प्रशासन प्रत्येक वर्ष पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में 22 श्रेणियों में ये पुरस्कार को आवंटित किया जाता है, बांटा जाता है, यहां तक कि इसकी जो प्रशासित जो बॉडी जो है आपको कोलंबो है ना, कोलंबो विश्वविद्यालय के द्वारा इसको प्रशासित किया जाता है, ये आपका पुलित्जर पुरस्कार। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक समाचार पत्र है, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रिका, साहित्य हुआ, संगीत रचना, इन सभी के लिए ये पुरस्कार आवंटित किए जाते हैं, तो न्यूयॉर्क टाइम्स को ये पुरस्कार दिया गया। अब चलिए एक प्रश्न यहां पर इतिहास के हिस्ट्री का प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये प्रश्न देख सकते हैं, तो ये प्रश्न आपका इतिहास से संबंधित रहा। क्या है ये प्रश्न, निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार करें कि कलानुक्रमिक क्रम की बात करता है, क्रोनोलॉजी के आधार पर इसको व्यवस्थित करना है कि चार रिपोर्ट जारी किया गया था, एक आपका शारदा एक्ट, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन और दांडी मार्च, ये चारों के बारे में इसके लिए जानकारी होना चाहिए कि भाई शारदा एक्ट कब आया है ना, नेहरू रिपोर्ट कब आया, साइमन कमीशन और दांडी मार्च की बात करते हैं, तो चारों को आपको अरेंज करना है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये सारे जितने भी हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका साइमन कमीशन का गठन हुआ था, साइमन कमीशन, उसके बाद जो है नेहरू रिपोर्ट आया था 1927 के आसपास, साइमन कमीशन, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि श्रद्धा एक्ट और दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा। तो इस प्रकार से आप इसको देखेंगे तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, लेकिन एक एक करके इन चीजों को हम समझ लेते हैं एक बार कि क्या है ये। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन क्या था, तो साइमन कमीशन की बात करते हैं कि भाई ब्रिटिश सरकार उस वक्त भारत के संविधान को लेकर एक आयोग, एक कमीशन की घटना आपको आयोग बनाई थी, उसकी एक नियुक्ति किया था, भारतीय आपके संविधान आयोग की नियुक्ति की घोषणा उन्होंने कहा, और उस वक्त जो है उस साइमन कमीशन के अध्यक्ष के तौर पर बनाया गया जॉन साइमन को बनाया, इसीलिए इस पूरी कमीशन को साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, साइमन कमीशन के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो साइमन कमीशन था उस वक्त का एक तरीके से एक संविधानिक नियमों को पुनः रूप से जांचना और संशोधन करने का अधिकार इस कमीशन को दे दिया गया था, जिसके द्वारा भारत पर शासित हो रहा है, भारत में लोग शासन कर रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, उसके रूप से भारत की में संविधान में उलट पलट की बात कर रही, लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे। तो अगर कोई भारतीय सदस्य इस कमीशन के अंदर में नहीं, तो आप बताइए कि भारत में ब्रिटिश के द्वारा शासन की जा रही है और ब्रिटिश ही वो कानून बनाने वाला है और हम भारतीय इसका विरोध कर रहे हैं, आपने कमीशन का गठन किया लेकिन उस कमीशन में कोई भारतीय नहीं है, तो हम किस बात पर हम आपसे विश्वास करें आप पर कि भाई आप जो जांच करेंगे, आप भारतीय संविधान की जो जांच करेंगे वो सही होगा। तो इस चीजों को लेकर काफी विद्रोह किए गए और परिणाम हुआ कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा जो है लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया है ना, कि साइमन कमीशन वापस, बैक टू द साइमन कमीशन, और उसी में लाठी चार्ज के दौरान जो है ये आपके लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है उसमें। तो ये आप यहां पर 1927 में ये साइमन कमीशन आपने देखा 1927 का है। वहीं पर बात करते हैं कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट लाया गया। नेहरू रिपोर्ट की कहानी है कि नेहरू रिपोर्ट आया पंडित आपका मोतीलाल नेहरू जो है इसके हेड हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे, एक समिति का गठन हुआ जिसमें मोतीलाल नेहरू ने भारत के संविधान के लिए एक नई डोमिनियन स्थिति, डोमिनियन जो स्टेटस के लिए, भारत के एक संघीय ढांचे के लिए अपील करने का एक ज्ञापन जारी करते हैं, लेकिन
1928 के अंदर में एक रिपोर्ट जारी किया जाता है और उसी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। वो नेहरू रिपोर्ट भारत के संविधान से संबंधित था। बाद में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना उन्हीं के खुद पुत्र आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी किया गया। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया। वहीं पर अगर हम बात करें कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द इंडिया 28 सितंबर 2019 को बाल विवाह निरोध अधिनियम लाया गया 1929 में पारित किया गया, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों के शादी का उम्र 18 साल निर्धारित किया जाता है, तय किया जाता है। और तो ये बात है। और ये 1949 में भारत स्वतंत्रता के बाद इसे लड़की और लड़कियों की उम्र 15 साल और लड़कियों का उम्र जो है 1978 में 18 और लड़कों का 21 संशोधित के तौर पर किया जाता। तो वो जो है जो शारदा जो एक्ट है वो शारदा एक्ट बाल विवाह निरोध से संबंधित है 1929 में है। तो ये आपका 1929 में थर्ड में आप देखने को। वहीं पर अगर बात करें डांडी मार्च की बात करें तो आप सभी को पता है डांडी मार्च बहुत ही फेमस आपको देखने को मिलता है, उसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो डांडी नामक स्थान से इसकी शुरुआत हुई थी डांडी मार्च, जिसे आप नमक मार्च या डांडी सत्याग्रह के रूप में आप जानते हैं। उस वक्त हमारे देश के राष्ट्रपिता आज के तौर पर कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य किया गया और 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये डांडी मार्च चला गया आपका। ये साबरमती के आश्रम तक ये डांडी की शुरुआत यहां से शुरू होती है और ये ब्रिटिश के नमक एकाधिकार जो है मोनोपोली जिस प्रकार से सॉल्ट के ऊपर था उसके खिलाफ एक तरीके से प्रतिरोध और अहिंसक विरोध था, जिससे सीधा आपको कार्रवाई की अभियान जारी किया। तो ये डांडी मार्च था आपका। और ये डांडी मार्च कब शुरू हुआ था आपका, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक, है ना। तो इस तरीके से आप इसको क्रम के फॉर्म में, इसके लिए आपको संपूर्ण कहानी आपको जानना होगा एक एक टर्मिनोलॉजी के आधार पर, तब आप कह सकते हैं कि इस आंसर करना आपको। तो आपने देखा कि साइमन कमीशन 1927, वहीं पर नेहरू रिपोर्ट 1928, है ना, और सरदा एक्ट 1929 और डांडी मार्च 1930। तो कौन सा हो गया भाई, तो फर्स्ट आपका 1920 से साइमन कमीशन, उसके बाद कौन सा आपका, उसके बाद आपका आ जाता है नेहरू रिपोर्ट और उसके बाद सरदा एक्ट और उसके बाद आपका ये। तो इस प्रकार से 3214 ए इज राइट आंसर इसका होता। तो एक एक कहानी को आपको समझना हो कि सरदा एक्ट क्या है, नेहरू रिपोर्ट क्या है, साइमन कमीशन का गठन क्या था, डांडी मार्च क्या था, डिटेल में हम पढ़ेंगे आपको हिस्ट्री के क्लास में। अभी तो क्वेश्चन हम लोग पूरा और कर लेते हैं। अब चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब 29 क्वेश्चन जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी कंट्री द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द स्किल वॉज इस्टैब्लिश्ड। तो ये कहानी आपका, निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया। तो ये आपका देख सकते हैं कि ये आपका प्रश्न करेंट अफेयर का है कि किस शहर में देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया। तो ऑप्शन है अहमदाबाद, मुंबई, रोहतक और आपका एक ऑप्शन नीचे है ये आपका कानपुर। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, कानपुर होगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका कानपुर होगा। क्यों कानपुर होगा, क्योंकि 2016 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में देश का पहला भारतीय कौशल संस्थान, है ना, इंडियन आपका इंटेलेक्चुअल या आप कह सकते हैं इंटेलिजेंस जो आपका जो IIS जो है आपका भारतीय कौशल संस्थान का उन्होंने आधारशिला शुरुआत की। और ये जो है कानपुर शहर में हुआ है। कौशल प्रस्तुति तंत्र से संबंधित बातें करती है, हमें प्रशिक्षण दिया जाता है, वहां पर आपको लोगों को ट्रेंड किया जाता है। भारत का कौशल संस्थान की स्थापना की गई और ये जो स्थानीय और क्षेत्रीय उद्योग से संबंधित पूर्ति के लिए कि भाई आपके अंदर में एक कह सकते हैं कि एक कौशल से एक स्किल्स एक एक्टिविटी आपको आना चाहिए, इसलिए विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षकों के द्वारा हैंड्स ऑन द कौशल प्रशिक्षण प्रदान भी यहां पर की जाता है। तो ये IISc जो है जिसको आप कह रहे हैं इंडियन काउंसिल वाली की अगर बात कर रहे हैं यहां पर भारतीय कौशल संस्थान, तो भारतीय कौशल संस्थान कानपुर में ओपन किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि मैच करना है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सम्मिलित नहीं है, स्थानीय हवाओं के नाम और स्थान। तो ये कह रहा है नहीं है, याद रखिएगा, मतलब कि इनमें से चार जो दिए हुए उनमें से तीन है और एक नहीं है। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें लेवेच, लेवेच जो है ये सही विकल्प है आपका। लेवेच में, स्पेन में, लेवेच में जो हवा का नाम है, विंड का नाम है, स्पेन के है। वहीं पर अगर हम बात करें ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में जो हवा चलती है, स्थानीय जो लोकल विंड है, उस लोकल विंड को ब्रिक फील्डर कहा जाता है। वहीं पर उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर कहा जाता है। लेकिन ये जो आपके ऑस्ट्रिया है और सामल जो है ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, सामल इराक और फारस की खाड़ी जो राज्य है वहां के जो लोकल बहने वाली जो हवाएं हैं उस हवाओं को ये कहा जाता है, सामल कहा जाता है, ना कि ऑस्ट्रिया का। तो इसीलिए ये इसका सही आंसर डी है, परंतु ये सुमूलित नहीं है। सामल कहां? सामल जो है इराक और फारस की खाड़ी से बहने वाली जो लोकल विंड्स हैं उस लोकल विंड्स का नाम सामल है। तो ये प्रश्न आपका ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है। वहीं पर आप आइए क्वेश्चंस नंबर 31 क्या कहता है? 31 कहता है कि निम्नलिखित में से राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। अब आ गया विटामिन्स का क्वेश्चंस आ गया कि भाई राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है, डिफिशियंसी रोग की बात होती है। तो इसमें विकल्प में आपका पेलाग्र, अस्क्रवी और बेरीबेरी या क्या होता है भाई? तो ये होता है ओस्ट विदर्दा, डी इज द राइट आंसर इसका है। ये नहीं होता है, क्यों इसका आप देख सकते हैं सही में। सो राइबो की अगर कमी की बात करें तो ये जो राइबो फ्लेविन्स की कमी से आपका देख सकते हैं कि चेलोसिस होता है। चेलोसिस का मतलब आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में या ज्यादातर आपके होठ जो है फटे होते हैं, तो चेलोसिस से फटे और फटे होठ हो गए, गांठ हुआ, रुखड़ापन हुआ, या कह सकते हैं कि कहीं कहीं पर जो उंगली में यहाँ पर गांठ बनने लगता है कि सूजन संबंधित स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि मुंह और कान में भी सूजन वाले लाल धब्बे के कारण भी इसके अंदर में होता है। तो एक तरीके का आप कह सकते हैं कि होठ दोनों तरफ से आपका उस समय फटने लगता है। तो ये कमी है किसके कारण से? ये राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है उसके नाम पर ये रखा गया है, और इसी के कमी से ये आपका बीमारी होता है। और ये ज्यादातर कई खाद्य पदार्थ जो विशेष रूप से दूध हुआ, आपका लीवर यकृत हुआ, अंडे, हरी सब्जी में ये मौजूद होता है, और उसमें आपको कमी अगर होने के कारण इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलती है। यहां तक कि आंत के वनस्पति के द्वारा भी ये संश्लेषित होता है। तो ये बायो का क्वेश्चन है, ये बायो का क्वेश्चन से इसका डी आंसर हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि सोराइबो फ्लेविन जो है आपके होस्ट, और नाम एक चीज देखिए, ये होस्ट विदर्ता, ये जो होस्ट मतलब होठ विदर्ता जो चली जो है इसके कारण से ये आपका, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये होठ पटना ये सब इसके अंदर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर का है, इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि ये निम्नलिखित पे कौन सा मेल नहीं है, इसकी बात ये कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमोलित नहीं है, मेल नहीं करता है। खिलाड़ी का नाम दिया एक तरफ, और दूसरी तरफ से जो टोक्यो ओलंपिक 2020 के जो पदक जीते गए थे उसके बारे में चर्चा की गई है। तो आप देख सकते हैं पहला एक कर है कि पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता। ये क्वेश्चन क्या है? मेल नहीं है, याद रखिएगा ये बार बार। तो खिलाड़ी के नाम दिए हुए और टोक्यो के ओलंपिक के पदक दिए गए, तो पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता था, ये बात सत्य है कि पीवी सिंधु जो है कांस्य पदक उन्होंने जीता था। बजरंग पुनिया रजत, मीराबाई चानू ने रजत, ये भी बात सही है, और नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, ये भी बात सत्य है। लेकिन बजरंग पुनिया जो है उन्होंने रजत नहीं जीता है, मतलब कह सकते हैं बी इज अ राइट आंसर। लेकिन एक एक करके हम इसके स्पष्टीकरण को हम समझेंगे कि पीवी सिंधु से संबंधित बातें को हम जानेंगे कि भाई पीवी सिंधु हैं कौन। आपको पता है कि पीवी सिंधु भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, हैदराबाद तेलंगाना की रहने वाली हैं वो,
और उन्होंने जो 2020 में जो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक टोक्यो हुआ था उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता था, इसलिए आपका ए जो है सही विकल्प है। वहीं पर अगर हम बात करें कि उनसे संबंधित और भी अगर हम चीजों की चर्चा अगर किया जाए इसमें, तो एक चीज देख सकते हैं कि उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 या दक्षिण एशियाई खेल और 2016 और गोल्ड की अगर हम बात करें गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रिया का और 2018 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल में भी रजत पदक उन्होंने प्राप्त किया है। यहां तक कि जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है जिसे BWF कहते हैं उसके चैंपियनशिप भी उन्होंने जीता और वहां पर भी एक गोल्ड उन्होंने प्राप्त किया था। तो इसीलिए उनको अर्जुन पुरस्कार 2013 में दिया गया था, 2015 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी 2016 में मिला और पद्म विभूषण भी 2020 से उनको सम्मानित किया जा चुका है। तो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। पीवी सिंधु का एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने काफी भारत का एक अच्छा नाम उन्होंने स्थापित किया है, इसलिए इनको इस तरीके से भी सम्मानित करना जायज है आपका। तो अर्जुन पुरस्कार 2013 में, पद्मश्री 2015 में, राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो सबसे आपका 2016 में, और पद्म विभूषण भी भूषण भी आपका 2020 में उनको मिला। अब बात करते हैं बजरंग पुनिया की। बात करते हैं बजरंग पुनिया, भारत का एक कह सकते हैं कि फ्री स्टाइल एक पहलवान है ना, आप कुश्ती पहलवान आप जानते हैं। 2020 में जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में हुआ था तो उसमें उन्होंने कांस्य जीता था, कांस्य पदक जीता था। और हमने विकल्प में क्या देखा, तो आपका विकल्प में ये लिखा हुआ है कि विकल्प में रजत पदक की बात करती है, उन्होंने कांस्य पदक जीता है न कि रजत पदक, तो इसलिए ये विकल्प सही नहीं है। तो बी इज राइट आंसर उनके अनुसार से, है ना, बी राइट आंसर है। 2018 में 65 किलोग्राम के फ्रीस्टाइल कुश्ती में ये स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था। वहीं पर 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने, है ना, तो उनकी भी काफी अच्छी उपलब्धि है। वहीं पर बात करते हैं इस बार का सबसे मीराबाई चानू की बात करें, मीराबाई चानू कहाँ की, मणिपुर की रहने वाली है। उन्होंने जो वेट लिफ्टिंग होता है जिसको हम भारोत्तोलक कहते हैं, सो भारोत्तोलक 2020 का जो हमारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, तो उसमें उनको रजत मिला था उनको, तो इसलिए ये भी आपका सही। हालांकि 2014 में भी जब राष्ट्र खेल मंडल में उन्होंने पहला पदक जीता था पहली बार, और महिलाओं के 48 केजी वाले भार में उन्होंने जीता था। 2018 में मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न से उनको सम्मानित किया गया। और सबसे ज्यादा मीडिया में रहने वाले हमारे नीरज चोपड़ा जी, जो कि जेवलिन के लिए, तो भारतीय ट्रैक और फील्ड एक एथलीट्स हैं भाला फेंकने में, जेवलिन में आपका, उस भाला फेंकने के प्रतिस्पर्धा में 2020 में जब हमारा समर ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में हुआ था, तो भारत को एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, खिलाड़ी थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, तो स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था। इसीलिए 2016 के भी दक्षिण एशियाई खेलों में, 2018 के खेलों में और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो नीरज चोपड़ा जो है सबसे ज्यादा इस बार मीडिया में वो रहने वाले व्यक्ति, उस वक्त और आज तक भी वो सबसे ज्यादा मीडिया में रहने वाले व्यक्ति थे वो, है ना। अब बात करते हैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपको यहां पर आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हालांकि, तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक, आपने नाम सुना होगा बॉम्बे स्टॉक शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, BSE के नाम से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से आपने ये शब्द सुना होगा, तो लोकप्रिय है काफी BSE में आपका। ये कहता है कि भाई इसमें कितने ब्लू चिप्स की कंपनियों के आधार पर मेजरमेंट किया जाता, मतलब BSE में कितने कंपनियों का इंडेक्स निकाला जाता है। सेंसेक जो है एक तरीके से आप कह सकते बॉम्बे स्टॉक सेंसेक जो है वह जहां पर हम लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर में, आप जब इंडियन इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो वहां पर बुल हुआ बियर हुआ कैसे पैसे लगाए जाते हैं कैसे मार्केट काम, इंडियन इकोनॉमिक्स की क्लास में आपको शेयर मार्केट से संबंधित काफी कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल इसमें जो विकल्प दिए गए 20 25 30 और 20, मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में
जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसमें कितने सूचीबद्ध आपके कंपनियां हैं, कितने का बेसिस बनाया जाता है। तो इस सेंसेक्स में कुल मिलाकर 30 कंपनियां हैं यहां पर, इसलिए इसका विकल्प सही 30 होगा, क्योंकि इसी 30 अच्छी तरीके से स्थापित है और आर्थिक रूप से मजबूत कंपनियां को एक प्री फ्लॉट मार्केट या वेटेड स्टॉक मार्केट इंडेक्स के तौर पर उसको माना जाता है। और 1 जनवरी 1986 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा इसको पेश किया गया था। और एक चीज और भी बता दूं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का सबसे पहला आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है आपका, तो ये भी याद रखिएगा कि अगर मान लिया प्रश्न पूछ सकते हो एशिया का सबसे पहला आपका स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कौन सा है, आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। और इनमें कितनी कंपनियां टोटल है, तो 30 कंपनियां इसमें है आपका, 30 कंपनियां आपका। और भी थोड़ी सी बात है इसमें, आप देख लीजिए कि ये सूचकांक जो इंडेक्स जो है ये क्या होता है भाई, तो इसमें कहा जाता है कि भाई जो सूचकांक है आपके घरेलू डोमेस्टिक हुआ और इंटरनेशनल, इन दोनों मार्केट को प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक व्यापक रूप से रिपोर्ट किया जाता है और उस रिपोर्ट के जरिए एक इंडेक्स तैयार की जाती है। तो सूचकांक की शुरुआत में पूर्ण बाजार जो पूंजीकरण की पद्धति के आधार पर ये गणना की जाती है कि भाई ये मार्केट कैसे काम कर रहा था। हालांकि लेकिन 1 सितंबर 2003 में इसे प्री फ्लॉट पट्टी के माध्यम से इसको स्थानांतरित किया, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इतना भाई कितने 30 कंपनियां इसके अंदर में काम करती है, तो ये आप ज्यादा आपके महत्वपूर्ण है आपका। हालांकि ये किसके लिए भाई, तो आप जब मनी मार्केट को पढ़ेंगे तो मार्केट जो है दो प्रकार का होता है, एक पूंजी बाजार होता है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मनी बाजार होता है, मुद्रा बाजार जिसको बोलते हैं। पूंजी बाजार लंबे अवधि के लिए होता है, वहीं पर मुद्रा बाजार जो है कम अवधि के लिए, कम अवधि अर्थात एक साल से कम के लिए होता है, और एक साल से पूंजी बाजार जो होता है एक साल से अधिक के लिए होता है। तो शेयर मार्केट जो जिसको आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हुआ या जितने भी शेयर मार्केट है, ये आपके पूंजी बाजार के आधार पर काम करते हैं, है ना, पूंजी बाजार के आधार पर काम करते हैं। और ये सूचकांक आधारित जो है भिन्न भिन्न प्रकार के चीजों, डेरिवेटिव उत्पाद हुआ, फंड के प्रदर्शन के बाजार के आधार पर ये सब होता है, तो ये पूंजी बाजार के बेस के आधार पर ये काम करता है, न कि मनी बाजार। आप इंडियन इकोनॉमिक्स के वीडियो जाकर वहां पर देखिए, उसके बीच में हमने आपको समझाया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट और आपका कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंसेज है, कैसे काम करती है मनी बाजार, कैसे काम करता है पूंजी बाजार, है ना। तो शेयर क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, बियर क्या होता है, है ना, बुल क्या होता है, ये सारे जो इकोनॉमिक्स के टर्म को आप समझ सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आजाद वहीं पर क्वेश्चन नंबर 34 देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, कहता है रिंगेलमैन स्केल के घनत्व को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए रिंग जो है ना, इस तरीके से रिंग की बात कर रहा है, ऐसे रिंग बन की बात कर रहा है, तो किस प्रकार के घनत्व तो कौन, राम नाम से आपने, अगर बहुत लोग अगर धूम्रपान करने वाले अगर व्यक्ति होंगे तो धूम्रपान वाले जो लोग हैं वो छल्ला निकालते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से। सो रिंगेलमैन में यहीं पर नाम से ही पता चलता है कि एक्चुअली ये धुआं के घनत्व को मेजर करता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो धुआं है, उस धुआं के घनत्व को ये मेजर करता है, तो इसका राइट आंसर आपका धुआं होगा। सो रिंगेलमैन स्केल किसके घनत्व को मेजर करता है, धुआं के घनत्व को मेजर करता है, ना कि प्रदूषित पानी को, शोर को, लिए डेसिबल है आपका, कोहरा के लिए अलग है ये आपका, है ना। तो ये यहां पर इस चीजों को समझ सकते हैं कि ये जो सबसे पहला कब आया, सो रिंगेलमैन स्केल धुआं एक तरीके से इसका नाम ही है रिंगेलमैन स्केल धुआं इसको कहा जाता है। और ये डेंसिटी जो है आपका घनत्व है धुआं के, स्मोक के घनत्व को मेजर करता है। और ये मापने का जो सबसे पहले क्या हुआ था कि 1988 में पेरिस में लॉ स्टेशन आपका डीएक्स, ये आपके मशीन्स कृषि इंजीनियरिंग में के, ये आपका मैक्सिमिलियंस रिंग मिल में फ्रांसिक प्रोफेसर के द्वारा इसको तैयार किया गया, है ना। और ये जो रिंग्समैन जो है, रिंग्समैन के प्रभाव को भी इसको कहा जाता है, रिंगेलमैन की इफेक्ट भी इसको कहा जाता है, जो धुआं के इफेक्ट को, उसके घनत्व को मेजर करता है आपका, और उससे प्रदूषण के बारे में और हर चीजों के बारे में पता चलती है।
यही देखिए 2035 का विश्व युवा कौशल दिवस के विषय में की बात कर रहा है ना, विश्व युवा कौशल दिवस के विषय में बोल रहा है कि भाई, तो विकल्प क्या है, युवा और कौशल, कौशल विकास और रोजगार, युवा और उद्यमियता, और महामारी के बाद युवा कौशल की पूर्ण कल्पना। तो 2021 में विश्व युवा कौशल दिवस की बात कही गई है ना, और 2021 जो है हमारा दौर कोविड काल महामारी से ये गुजर रहा था, हम सभी को पता है। तो महामारी के बाद युवा कौशल की पूर्ण कल्पना, ये आपका डी इसका राइट आंसर इसमें है। मतलब क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है यूनाइटेड नेशन ने युवाओं को के रोजगार, अच्छे काम और उद्यमिता को के लिए एक कौशल से लैस करने और उसके रणनीतिक महत्व के जश्न मनाने के लिए 2014 में 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया था। और यही विश्व युवा कौशल दिवस 2021 में एक विषय की बात हुआ, टैगलाइन की बात हुई, क्योंकि भाई बहुत सारे युवाओं के रोजगार छीन गए थे, स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी। ऐसी स्थिति में महामारी के बाद युवा फिर से अपने कार्य को, आपको ये अपने काम पर लौटे, सो उसकी पूर्ण कल्पना की बात करता है। तो महामारी के बाद युवाओं कौशल की पूर्ण कल्पना इसका सही विकल्प होगा आपका, है ना, क्योंकि इसी दिन युवा लोग तकनीकी, व्यवसायी, शिक्षा, प्रशिक्षण, इन सभी चीजों के लिए उद्देश्य इसको लाया गया था। और दिन इसका मुख्य उद्देश्य आज के लिए जो युवा जो बेहतर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को प्राप्त करता है, बेरोजगारी और जिस प्रकार से देश में बढ़ रहा है, तो अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले, उसकी कौशल को बढ़ावा मिले, उसके स्किल का डेवलपमेंट हो, इसी विचारधारा के साथ जो है इस प्रोग्राम को लाया गया था। अब चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन से ज्योग्राफी से संबंधित एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेवार है, वर्षा के लिए कौन सा कारण जिम्मेवार है, ये बात कर रहा है। तो भाई उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के बात कर रहा है, अर्थात विंटर में कहा जा रहा है, तो विंटर में आपके वर्षा के लिए कौन सा जिम्मेवार है, तो पीछे हटने वाला मॉनसून। विकल्प के अंदर में देखिए, आप एक बार इंग्लिश में भी अंग्रेजी में आप इस चीज को पढ़ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। ऑप्शन रिट्रीटिंग मॉनसून, साइक्लोनिक डिप्रेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साउथ वेस्ट मॉनसून। तो सिंपल सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसके राइट आंसर है। क्यों भाई, इसके कारण इसको समझिए, तो इसका आंसर आपका सी होगा, पश्चिमी विक्षोभ। क्या है पश्चिमी विक्षोभ, एक एक करके पहले हम समझेंगे। पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ की बात करें, पश्चिमी जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि महीनों के मौसम में जो सर्दी के जब विंटर का मौसम होता है तो घटनाएं होते हैं, भूमध्य सागर क्षेत्र जो इक्वेटोरियल रीजन है, उस इक्वेटोरियल रीजन से पश्चिमी प्रवाह के द्वारा लाई जाती है। और ये आमतौर पर भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी के क्षेत्र में ये मौसम काफी प्रभावित करता है, तो इसलिए ये जो है आप देख सकते हैं, इसलिए ये आपका सी विकल्प आपका सही होगा। लेकिन वहीं पर बात करें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मॉनसून का, तो ये अक्टूबर नवंबर में होता है, आपका पूर्वी प्रवाह के लिए जिम्मेवार है ना। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान जो वर्षा का मेन कारण बनता है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपका 37, ये आपका इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन तो आपको लोगों को काफी आसान ही लगते होंगे। क्वेश्चन इस तरीके से है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिल सबसे पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, कौन सा बिल राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिल राज्यसभा में पेश नहीं किया। तो भाई साधारण बिल विकल्प में जो कह रहा है, साधारण बिल जनरल जो बिल होता है तो पेश किया जाता है राज्यसभा के अंदर में भी और लोकसभा के अंदर में भी। वहीं पर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बिल की भी बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल भी आपको संशोधन बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, वो भी चाहे आपके राज्यसभा के अंदर में या लोकसभा के अंदर में कहीं पर भी ये स्टार्ट किया जा सकता है। राज्य पुनर्गठन बिल भी आपको राज्यसभा लोकसभा में, लेकिन मनी बिल या धन बिल जो है
ये धन बिल पर पूरी के पूरी पावर लोकसभा का होता है, वो राज्यसभा में इसकी शुरुआत नहीं होती है। तो संविधान के अनुच्छेद 110 में मनी बिल की बात की गई है, धन विधेयक से संबंधित बात की गई, और वो विधेयक धन विधेयक कहा जाता है यदि मान लिया कि भारत के जो संचित निधि है जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, और वो संचित निधि में सरकारी व्यय या प्राप्ति के लिए धन की जरूरत है। अब धन की जरूरत है संचित व्यय से, ये धन के मनी बिल के अंदर में आप कह सकते हैं कि सारे कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालना, रेवेन्यू, ये सारे जो है मनी बिल के अंदर में आता है, और मनी बिल पर राज्यसभा का पावर नहीं होता। राज्यसभा कंपल्सरी है कि वो अपना जो वो दे देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, धन विधेयक होगा, क्योंकि धन विधेयक पर किसकी पावर होती है, सिर्फ लोकसभा की पावर होती है, राज्यसभा की पावर धन विधेयक पर नहीं होती है। धन विधेयक में पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक आपको पारित करने के लिए आप सिंपल सी राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी पड़ती है लोकसभा के अंदर में, और लोकसभा का जो अध्यक्ष डिसाइड करते हैं कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। जब लोकसभा में धन विधेयक पास हो जाता है तो उसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है, और वो राज्यसभा उस 14 दिन के अंदर के भीतर उस दोबारा से लोकसभा के अंदर में उसको पेश कर देता है, वो कंपल्सरी आपको। तो ये धन विधेयक से संबंधित बातें हैं। 38 नंबर कहता है, देख लीजिए बोटुलिजम्स क्या है। बोटुलिजम्स की अगर बात करें तो बोटुलिजम्स जो है बोटुलिजम्स खाद्य जनित संक्रमण नहीं, खाद्य जनित नाश एक तरीके से कीटनाशक है ये आपका। सो बीज राइट आंसर इसका, जल जनित संक्रमण नहीं, जल जनित नाश नहीं। तो सिंपल सी आप देख लिए बोटुलिजम्स खाद्य जनित नाश है, एक तरीके से पेस्टिसाइड आप कह सकते हैं। बोटुलिज्म जो है क्लोरोस्ट्रियम्स बोटुलिनियम्स बैक्टीरिया के द्वारा उत्पादित किया जाता है, एक विषाक्त पदार्थ के कारण होने वाले जो दुर्लभ एक तरीके का जहर है ये। सो ये खाद्य जनित आपका बोटुलिज्म अनुसूचित तरीके से आपके संबंधित भोजन में सेवन के कारण ये होता है, और जैसे कि लक्षण निगलने या बोलने में कठिनाई होना, चेहरे पर आप की कमजोरी या फिर पाशघात जैसी स्थिति आपको देना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। सारस आजीविका मेला 2021 का, सरस आजीविका मेला 2021 में, सरस आजीविका मेला आपको किस शहर में आयोजित हुआ, तो ये ऑप्शन आपका पटना, रायपुर, लखनऊ और नोएडा है। तो सरस आजीविका मेला आपको आयोजित यूपी उत्तर प्रदेश के NCR रीजन नोएडा में आयोजित किया जाता। हाल में ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं वहां के नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2021 का उन्होंने उद्घाटन किया और वहां पर आयोजित हुआ था। तो ये मेला 27 राज्यों में 300 से अधिक, 27 राज्यों के 300 से अधिक ग्रामीण स्वयं सहायता समूह और शिल्पकार जो हैं आर्टिसियन इन्होंने भाग लिए थे ये सरस आजीविका मेला में। तो ये नोएडा में है, इसकी राइट आंसर डी होगा, नोएडा के अंदर में ये हुआ था, है ना। वहीं पर क्वेश्चंस नंबर आ जाइए आपका 40 नंबर आपको ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हिस्ट्री के वीडियो में हमने इसको काफी एक्सप्लेन किया था, है ना। तो ये है आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है। ऑप्शन है आपका डकन नहीं, सर विलियम जोन्स आपका, वॉरेन हेस्टिंग नहीं, वॉरेन हेस्टिंग तो आपके 1772 में ये बने थे वायसराय आपका, ये आपका गवर्नर जनरल, विलियम बेटिंग नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स को बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक के तौर पर माना जाता है, क्योंकि पहली बार 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, और इस स्थापना करने के पीछे ये था कि एशिया के इतिहास नागरिक और प्राकृतिक और जो प्राचीन की वस्तुओं और आर्कियोलॉजी से संबंधित उसके साहित्य को जांच करने के लिए संस्था का स्थापना किया गया था, है ना। प्राचीन वस्तु, कानून, कला, विज्ञान, साहित्य, इन सभी को जांच के लिए इसकी स्थापना किया था, और ये पूरे एशिया महाद्वीप के शिक्षा अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र ये माना जाता है। तो
पिछले दो शताब्दी के दौरान जो है समाज आप कह सकते हैं कि के नाम पर कई बदलाव किए, जैसे बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 1832 में, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और भी बहुत सारे चीज इसके अंदर में आपको देखने को मिलता है। तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपका सर विलियम जोन्स थे आपका, है ना। 1952 में भी आपके एशियाटिक सोसाइटी के रूप में जाना गया आपका। 84 में एशियाटिक सोसाइटी को भारत के संसद अधिनियम द्वारा उसको राष्ट्रीय महत्व के तौर पर इसको माना आपका। तो ये भी आप देख सकते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हिस्ट्री का लिखना, ये सब एशियाटिक सोसाइटी के अंदर में ही आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एनवायरमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनवायरमेंट से संबंधित है। क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड आपका, है ना। तो क्या कहता है? एक कहता है कि एक पारितंत्र के विन-विन घटक अनियोश्रित नहीं होगा। रीजन है मानवीय गतिविधियों को पर्यावरण के प्रभाव का पड़ना। अब देखिए इसके स्टेटमेंट को आप देख सकते हैं, पारितंत्र की बात कर रहा है। तो परितंत्र में कह रहा है कि भाई एक परितंत्र के विन-विन घटक अनुयोजित नहीं होते, होते हैं परितंत्र के विन-विन घटक होते हैं, एक घटक नहीं होता है परितंत्र का। मतलब परिस्थिति तंत्र या आप कह सकते संरचनात्मक करणात्मक या एक जीवंत है ना इकाई है यहां पर इसके अंदर में। तो इसके बहुत सारे घटक हैं, आप कह सकते इसके आधार पर समुद्री जलीय स्थलीय बहुत सारे हो सकते हैं। ये तंत्र आपका अजीविक हो, आपका घटक हो सकता है, इसका वर्गीकरण विभिन्न प्रकार का हो सकता है, निर्जीव हो, सजीव हो, खनिज है, जलवायु है, लवण, ये सब। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। अब पहला स्टेटमेंट जब गलत है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साफ साफ डी इज राइट आंसर हो जाएगा। जब पहला स्टेटमेंट आपको बता गलत ही हुआ तो डी इज राइट आंसर, अब क्योंकि एक तो सही होगा ही आपका, तो डी इसके राइट आंसर है। अब चलिए एक बहुत ही फेमस केस है, कहानी है आपका इंडियन पॉलिटी का, आपको अक्सर जो इंडियन पॉलिटी में देखने को मिलता है आपका। कहानी इस तरीके से है कि आपने पढ़ा होगा गोलकनाथ केस पढ़ा होगा, इंडियन पॉलिटी का सबसे फेमस केस केशवानंद भारती केस पढ़ा होगा आपने संशोधन। तो इसको कह रहा है कि भी क्रोनोलॉजी के तौर पर इसको लाने की बात कर। तो सबसे पहला केस कब हुआ? तो गोलकनाथ का मामला। अब गोलकनाथ का मामला ये, उसके बाद केशवानंद भारती कोस। तो पहला सबसे पहले क्या था? गोलकनाथ। गोलकनाथ 1967 के आसपास की कहानी है आपका, वहीं पर आपका केशवानंद भारती। तो पहला आपका क्या होगा? गोलकनाथ। उसके बाद कौन सा केस आता है? उसके बाद आपका संशोधन, 24वां संशोधन आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद केशवानंद भारती का केस, और फिर इंदिरा गांधी के सरकार में आपका 42वां संशोधन। तो इस तरीके से आपका, तो इसमें आप देख सकते हैं एक एक करके हम केस के बारे में जान लेते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर इसका, 1/3, 2/4 आप इसको देखिएगा। अब गोलकनाथ का मामला क्या था? दो भाई थे आपका गोलकनाथ मामला। 1967 में संसद ने 1967 में गोलकनाथ का मामला था, पंजाब के दो भाइयों की मामला, जमीनी से मामला था, उसको लेकर आपको बात हुई थी। 1971 में 24th संवैधानिक संशोधन हुए, जिसमें संसद के संशोधन के माध्यम से जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उस फंडामेंटल राइट्स को कम करने के लिए सक्षम बनाया जाता, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने की बात उसमें आती है गोलकनाथ के मामले। तो संविधान में जो संशोधन करने की बात आई तो संसद के पास एक शक्ति से संबंधित है कि गोलकनाथ मामले में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय पारित किया गया, और उस निर्णय के तरीके सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है। इस संशोधन ने भारत के संसद के संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता, ये बात हुआ है ना। वहीं पर 24वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1971 आया, तो 24वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में आपका जो मौलिक अधिकार के सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने के से संसद को पूरी शक्ति दे दी गई। इसलिए राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना ये कंपलसरी हो जाता है, है ना। फिर 42वां संशोधन हुआ 1976 में, आपका मूल संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और सत्यनिष्ठा शब्द नहीं थे, और वही 42वां के अंदर में इसको सम्मिलित कर दिया गया। तो केशवानंद भारती का केस जो है बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है ना,
बेसिक जो जो स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उससे संबंधित है, गोलकनाथ पहले आया, उसके बाद 24वां संशोधन आया, उसके बाद आप केशवानंद भारती केसेस और फिर 42वां संशोधन, ये बहुत ही मूल संविधान, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। 43 क्वेश्चंस क्या कहता है देख लीजिए, 43 के अंदर में 43 में कहता है कि सोकोट्रो द्वीप के संदर्भ में बात कही गई है, तो ये कहां पर है, ये आपका मैप से संबंधित क्वेश्चन, आपके ज्योग्राफी करंट अफेयर से संबंधित है कि सोकोट्रा द्वीप के संदर्भ में कहा जा रहा है कि भाई ये कहां पर है, तो ये आप देख सकते हैं कि अरब सागर में स्थित ओमान में है, नहीं है। 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया, हाँ, तो इसका बी इज राइट आंसर। इसकी हम बात कर लेते हैं कि जो सोकोट्रा द्वीप है, ये द्वीप समूह 95% भूभाग में गठन है आपका, और ये जो है अरब सागर के बीच में माना जाता है, तो सोकोट्रा द्वीप द्वीप समूह लगभग 95% भूभाग का गठन करता है, और ये गार्ड ऑफ हुई चैनल और अरब सागर के बीच में है, ये सो ये गार्ड ऑफ हुई चैनल और अरब सागर के बीच में है, ये जो क्षेत्र शिपिंग मार्ग के पास या कह सकते आधिकारिक तौर पर ये यमन का हिस्सा है, और यह ओमान द्वीप का नहीं, यमन का हिस्सा है पर ओमान का नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 2008 में इसको प्राकृतिक विरासत स्थल घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 क्या कहता है कि भारतीय नौसेना के किस जहाज ने कटलेस एक्सप्रेस 2021 के अभ्यास में भाग लिया, बात कर रहा है भारतीय नौसेना इंडियन नेवी की बात कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए INS विक्रांत, INS मगर, INS तलवार, INS विक्रमादित्य, तो INS तलवार है, INS तलवार जो ने अभ्यास जिसका नाम है कैटलेस एक्सप्रेस 2021, तो कैटलेस एक्सप्रेस 2021 में वो भाग लिया, INS जिसको आप तलवार हुआ F-40 भारतीय नौसेना के तलवार श्रेणी युद्ध पोत में से प्रमुख माना जाता है, यह रूस ने बनाया गया रूस में, और 18 जून 2003 को भारतीय नौसेना में इसको सम्मिलित किया गया, ये अभ्यास 26 जुलाई से 9 अगस्त में अफ्रीका के पूर्वी तट में इसको शुरू किया गया, तो इससे संबंधित भी काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपका, ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कोको उत्पादक देश नहीं है, कोको उत्पादक देश की बात कर रहा है, कोको कोला आपने पिया, आपने अक्सर सेवन किया होगा, तो लटाविया, कैमरून, घना और आइवरी, तो लटाविया यूरोपियंस कंट्री है, कैमरून, घना और ये सब में होता है, सो लटाविया इज राइट आंसर, क्योंकि लटाविया एक प्रमुख कोको उत्पादक देश नहीं है, कोको जो बीन्स होते हैं जिससे आप कोको कोला बनता है आपका, कोको को पेड़ पर इसको गया, चॉकलेट उससे बनता है आपका, हजारों साल पहले इसको सेवन किया जाता था शुरुआती दौर में, इसका आपको बाटर सिस्टम में भी इसका प्रयोग किया जाता है, आज सूखे उसके बीज से उसको चॉकलेट बनाते हैं, उससे हम लोग ड्रिंक्स बनाते हैं आपका, जबकि बीन्स और कोको मक्खन के वसा को भी यहाँ पर निकालने का काम करता है, त्वचा और बालों में भी इसका प्रयोग करते हैं, इसीलिए कोको आइवर पश्चिमी अफ्रीका दुनिया में आपको काफी ये फेमस है आपका। तो घना सबसे ज्यादा घना देश ब्राजील, कैमरून है ना, डोमिनिकन्स गणराज्य और इक्वाडोर, ये सभी लोग प्रमुख देश हैं जो कोको के उत्पादन करते हैं आपका, है ना, लटाविया नहीं है इसमें। 46 क्वेश्चन कहता है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कण का आवेश शून्य होता है, सिंपल सी बहुत ऑप्शन है आपका, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इन सभी का तो होता है, पॉजिट्रॉन का भी होता है, तो ये ऑप्शन है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, इसका शून्य होता है, इलेक्ट्रॉन का भी होता है, एक कण का भी होता है, तो न्यूट्रॉन जो है एक तरीके का आप कह सकते हैं उप परमाणु कण है, जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता, इलेक्ट्रिक चार्ज इसके अंदर में नहीं होता है, इसका द्रव्यमान बहुत ही छोटा होता है, जो शून्य से भी आप इसको कह सकते हैं, तो इसका आंसर न्यूट्रॉन होगा, और न्यूट्रॉन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा के कणों में से एक माना जाता है, परमाणु बल इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रिनो के समान रूप से है और नहीं मजबूत, तो सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन जो है आपको ब्रह्मांड में देखने के लिए मिलता है, इसका द्रव्यमान भी बहुत ही कम और मूल्य होता है।
जीरो के समान होता है। 47 क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। COVID-19 महामारी के दौरान दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर ऑक्सीजन जनरेटर के बदलने का प्रदर्शन किया? तो कहता है COVID-19 महामारी में दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया? तो ये आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन आपका IISc बेंगलोर है, आपका IIT बॉम्बे, IIT मद्रास और IIT कानपुर है। राइट आंसर आपका IIT बॉम्बे है, क्योंकि COVID-19 की जब दूसरी लहर के समय में IIT बॉम्बे ने नाइट्रोजन जो जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने के लिए आपको यहाँ पर उन्होंने तैयार किया, और इसी परियोजना का नेतृत्व बॉम्बे के प्रोफेसर जो है मिलिंद अत्रे ने कर रहे थे, और ये परियोजना टाटा काउंसिल इंजीनियरिंग लिमिटेड के सहयोग से इस परियोजना को शुरू की गई थी। साथ साथ में ये भी देख सकते हैं कि इसके प्रयोग से है ना सेटर में 3 दिनों के भीतर विकसित किया गया था। 93 से 96% इसकी शुद्धता है। 3.5 ATM दबाव से ये प्राप्त किया जाता है, और ये आपका गैसीय ऑक्सीजन के उपयोग कोविड संबंधित जरूरतों को वो पूरा करता है। तो IIT बॉम्बे के द्वारा ये संयंत्र तैयार किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहरीकरण वक्र में त्वरण चरण के रूप में जाना जाता है? तो ये क्या है भाई, ये ऑप्शन में कहता है कि ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से किस शहरीकरण वक्र में त्वरण चरण से संबंध जाता है? तो ये जो है बी इज द राइट आंसर इसका, क्योंकि शहरीकरण प्रक्रिया इन चरणों से होता है कि भाई प्रथम प्रारंभिक चरण हुआ जिसको त्वरण और टर्मिनल चरण भी कहते हैं। तो पहला चरण यानी कि प्रारंभिक चरण, तो प्रारंभिक चरण में शुरुआत कहाँ है, हम लोग ग्रामीण समाज से शुरू करते हैं। परंपरा जो आप ऋग्वेदी काल देखा होगा, आपने पढ़ा होगा इतिहास के पन्ने में, कृषि बढ़ा, कृषि से बस्ती बने, बस्ती से आगे बढ़ता बढ़ता टाउनशिप बनता गया, है ना। उसके बाद दूसरा चरण में ये ऐसा चरण जो अर्थव्यवस्था और बुनियादी का पुनर्गठन करता है, सामाजिक पूंजीवाद बनता है, और तीसरा यानी टर्मिनल चरण जो है जहां पर शहरी आबादी 70% से अधिक रहते हैं। तो यहां पर शहरीकरण वक्र बनने की बात कर रहा है, तो ये आपका दूसरा चरण में शहरीकरण वक्र बन जाता है, तीसरा चरण में 70% से अधिक आबादी आपका उसमें रह जाते हैं, तो शहरीकरण वक्र कौन सा होगा, दूसरा चरण होगा। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान के प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? अब भारत के संविधान के प्रस्तावना पढ़े होंगे आप कि हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभुत्व, अब संप्रभुत्व शब्द तो है भाई, संप्रभुत्व है लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक है, ये भी है आपका, धर्म निरपेक्ष ये भी है आपका, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है हमारे संविधान के प्रस्तावना के अंदर में। तो भारत के संविधान के प्रस्तावना में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में विचार अभिव्यक्ति, विश्वास की अभिव्यक्ति, आस्था उपासना की स्वतंत्रता, इन सभी चीजों का प्रयोग किया गया है। और हम सभी को पता है कि ये जो प्रस्तावना के पीछे के आदर्श जो उद्देश्य दिए गए थे, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया था। 27 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा इस प्रस्तावना को पारित कर दिया गया था, जो कि अमेरिका के कॉन्सेप्ट से हमारा भारत के संविधान की प्रस्तावना लिए गए थे, है ना। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की कभी अध्यक्षता नहीं की? बाल गंगाधर तिलक का सपना ही रह गया था, हालांकि इसके लिए 1906 में भी 1907 में सूरत स्प्लिट भी हुए थे कि बाल गंगाधर तिलक को सूरत में उसका भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बना दिया जाए, परंतु ये नहीं। तो लाला लाजपत राय भी आपके अधिवेशन में थे, गोपाल कृष्ण गोखले तो कई बार बने, सुभाष चंद्र बोस भी 2 बार बन चुके थे, हरिपुरा वाला है ना, हरिपुरा का कांड, लेकिन बाल गंगाधर तिलक का ये स्वप्न ही रह गया था। बाल गंगाधर तिलक एक स्वतंत्रता सेनानी, एक वकील जिन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता था, लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता, वो पूर्ण स्वतंत्रता और स्वराज के सबसे शुरुआती दौर में यही समर्थक हुआ करते थे। तो 1890 में भारतीय कांग्रेस में वो शामिल हुए, लेकिन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सत्र में भी वो अध्यक्षता नहीं की। लाला लाजपत राय की बात करें तो लाला लाजपत राय बिपिन चंद्र पाल के साथ
है ना, वो भी चरमपंथी दृष्टिकोण के थे, इन्हीं को कहा जाता था लाल बाल पाल, लाल फोर लाला लाजपत राय, बाल फोर बाल गंगाधर तिलक और पाल फोर बिपिन चंद्र पाल कहा जाता है। गर्म दिल के नेता के तौर पर इन लोगों को माना जाता है। 1908 से 1914 के बीच में उन्होंने काफी क्रांतिकारी कदम उठाए, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चकी, उन सभी लोगों के बचाव के लिए उन्होंने मांडले जेल में भी गया, वो 6 साल तक उन्होंने बिताया। तो बाल गंगाधर तिलक उन्होंने कभी भी नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं बने, उनका ये स्वप्न नहीं रह गया था, है ना। तो ये है आज की क्लास। तो आज हम 25 क्वेश्चंस का यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। नेक्स्ट फिर से आपका 20 आपका 50 से लेकर 75 तक के हम नेक्स्ट सेशन में आपको मिलते हैं। तब आप इसको रिवाइज करते रहिए, मल्टीपल टाइम्स देखते रहिए, आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे वीडियोस को, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले, उसकी जानकारी मिले, बेहतर होगा बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि आपको जानकारी मिले और आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।